सर आप कैसी हो सुषमा? मैं ठीक हूँ सर, आप अंदर आइए ना। थैंक्स। बैठिए। सर आप बैठिए, मैं आपके लिए पानी लेके आती। हाय दया अंकल। हेलो चिंकी बेटा, हाउ आर यू? कैसी हो? फाइन। ये रहा तुम्हारा गिफ्ट और ये चिंकी बेटे के लिए चॉकलेट। थैंक यू दया अंकल, पर आप मुझसे मिलने क्यों नहीं आते हो रोज? ओ बेटा, बात ये है ना कि मैं थोड़ा बिजी रहता हूँ, इसलिए। बिजी तो मैं भी हो जाती हूँ होमवर्क करते करते, पर फिर भी मैं आपको रोज याद करती हूँ। अच्छा, आप मुझे याद करती हैं या मेरे चॉकलेट को? हैं? दोनों को। ओके 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 बेटा, याद तो मैं भी आपको बहुत करता हूँ, इसलिए मैं आज मिलने आया हूँ आपसे। और वो भी मेरे फेवरेट चॉकलेट के साथ। चलो चिंकी, अब तुम अंदर जाके खेलो। थैंक यू। और चॉकलेट वाला हाथ धो लेना। ओके मम्मी। रमेश कहीं दिखाई नहीं दे रहा, कहीं बाहर गया क्या? हाँ सर, दोस्त के साथ कहीं गए हैं। दोस्त के साथ? हाँ सर, कह के गए थे कि थोड़ी देर में लौटेंगे और खाना साथ में ही खाएंगे। बस मैं खाना ही गर्म करने जा रही थी, अगर आप जल्दी में ना हो तो आप भी खा कर जाइए। नहीं सुषमा, किसी और दिन। वैसे ये बताओ कि सब कुछ ठीक ठाक है ना? सब आप ही की मेहरबानी सर, मगर आप अचानक इतनी रात में यहाँ कैसे सर? वो मैं रमेश को एक खुशखबरी देने आया था। कैसी खुशखबरी सर? वो ये कि मैंने रमेश के लिए पुणे में एक अच्छी नौकरी पक्की कर ली है। आपने कितना कुछ किया है सर हमारे लिए, कितने एहसान है आपके हम पर। समझ में नहीं आता ये एहसान आपके कैसे चुकाए। एक बुरे इंसान को आपने अच्छाई का रास्ता दिखा दिया। कर्ज नहीं, फर्ज निभाया मैंने अपना। और अगर कोई आदमी सुधरना चाहता है तो उसे एक मौका तो मिलना चाहिए ना। वो मौका आपने दिया सर, अब वो अगर घर देर से लौटते हैं या घंटों घंटों बाहर रहते तो अब मुझे टेंशन नहीं होती सर। अब वो बदल गए हैं और ये सब आप ही की वजह से। सुषमा ऐसा कुछ मत कहो प्लीज सर, तुम मुझे शर्मिंदा कर रही हो। नहीं सर, अगर शांति से जी रहा है तो सिर्फ आप ही की वजह से। आप ही की वजह से रमेश एक क्रिमिनल का काम छोड़ के पुलिस इन्फॉर्मर बना है। जो भी है सब आप ही की वजह से। कौन है ये मेरे पीछे क्यों पड़े? सुषमा, रमेश मेरे छोटे भाई जैसा है और उसने भी कई बार मेरी मदद की है, ऐसी बात नहीं है। काफी देर हो गई है, रमेश अभी तक आया नहीं। आते ही होंगे सर, आप बैठिए ना। एक्चुअली मुझे भी रास्ते में किसी से मिलके जाना था तो मैं फोन पे बात कर लेता हूँ उससे, है ना? मैं तो कह रही थी आप खाना खा कर जाते। नहीं, वो क्या हुआ सर? लगता है मैं अपना फोन गाड़ी में भूल गया। ठीक है, मैं रास्ते में बात कर लूंगा उससे। तुम अपना ख्याल रखना और चिंकी से कहना कि अगली बार मैं ढेर सारे चॉकलेट लेके आऊंगा, ठीक है?
थैंक यू। फोन क्यों नहीं उठा रहे हैं? रमेश के 10 मिस्ड कॉल्स। रमेश फोन क्यों उठा रहा? हाँ रमेश। नहीं सर, तुम मेरी जान को खतरा है। रमेश क्या हो रहा है? कुछ लोग मेरे पीछे पड़े हैं, मुझे मारना चाहते हैं। तुम कहाँ पर हो? मैं अपने घर के पीछे वाली गली में हूँ। अपने घर के आसपास? रमेश, एक मिनट, रमेश। हो गया पता नहीं, अभी तो इधर ही था यार। रमेश रमेश तुम्हारा दुख समझ सकता हूं। विजीर, ये सब मेरी गलती है। अगर मैं अपना मोबाइल गाड़ी में नहीं भूलता तो शायद आज तुम्हें जिंदा होता। होने को कोई नहीं टाल सकता दया, तुमने कोशिश तो की थी ना उसे बचाने की। अभिजीत, जिसने भी ये किया है उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा।
सकता है। उस समय कुछ ऐसा मत कर बैठना कि बाद में पछताना पड़े। रमेश के पीछे जो भी लोग पड़े हुए थे यहाँ पे किसी ना किसी ने तो उन्हें देखा होगा। आसपास लोगों से पता करता हूँ, ये जगह तो बिल्कुल सुनसान है। आसपास कोई दिख भी नहीं रहा है जो रमेश के खून के बारे में कुछ बता सके। या मानसा लो बघितलं की काल रात्री काय आदमी को यहाँ आसपास कहीं गांव में देखा था कर? ये आदमी नहीं साहब, किधर भी दिखाई नहीं दिया, आसपास भी कहीं नहीं दिखा। भाई साहब, इस आदमी को यहाँ पे देखा, पहचानते हो उसे? हाँ, मैंने इसे देखा है। कब देखा? शायद कल देखा था मैंने। कल रात को? हाँ साहब, कल रात को ही देखा था। पक्का यकीन? यही था ना वो आदमी? हाँ साहब पक्का, बहुत घबराया हुआ था, इधर से भागते हुए आया और इधर को चला गया। कोई था उसके पीछे? पर साहब आप ये सब क्यों पूछ रहे हैं? कल रात किसी ने इस आदमी का खून कर दिया। खून? हाँ। फिर तो साहब उन्होंने इसका खून किया होगा। इसने, किसने किसने खून किया? साहब दो तीन लोग थे इसके पीछे, मगर मैंने सिर्फ एक आदमी का ही चेहरा देख पाया था। अच्छा, तुम उस आदमी को जानते हो? जानता तो नहीं, हाँ अगर वो मेरे सामने आ जाएगा तो मैं उससे पहचान लूंगा। साहब ठीक है, मेरे साथ चलो और उसका स्केच बनाने में हमारी मदद करो। ये रोमा है, अच्छे हमारे साथ सीआईडी में काम करेगी, ट्रेनी के तौर पर। थैंक यू सो मच सर, ये ऑनर देने के लिए। मुझे यकीन है कि मैं आप लोगों से बहुत कुछ सीखूंगी और आप लोगों की हर तरह से मदद करने की कोशिश करूंगी। मैं वादा करती हूँ कि मैं आपको शिकायत का कोई भी मौका नहीं दूंगी और दिल लगा के काम करूंगी। गुड, हमें ऐसे ही लोगों की जरूरत है। साहब, हाँ राजीव, क्या खबर लाया? साहब कल रात को माल उतरने वाला है। कितने बजे? 11 बजे। कहाँ? कोट रोड। खबर पक्की है? बिल्कुल। गुड सर, स्केच बन गया सर। यह है वो आदमी जो उस रात रमेश के पीछे भाग रहा था। तो ये है वो, हमारे रिकॉर्ड्स में चेक करो, देखो है क्या। गुड्डू, तुम इसे जानते हो? हाँ साहब, मैं इसको बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, आप उन्हीं के साथ काम कर चुका है। ये सुंदरनगर चाल में रहता है, इसका असली नाम सतीश है। ओह, सतीश उर्फ गुड्डू। आप लोग कौन है सर? सीआईडी। सीआईडी? गुड्डू तो यहाँ पे नहीं है। कहाँ पे? अभी थोड़ी देर पहले बाहर निकला। बाहर गया? जी। पूरी घर के अंदर जाके तलाशी लो। सर फोन लगाओ, सर जल्दी फोन लगाओ। मगर बात क्या है सर? वो भी बताएंगे, पहले सर ने जो बुलाया वो करो। फोन लगाओ गुड्डू को और पूछो उससे कहाँ पे वो। और उसे ये मत बताना कि सीआईडी यहाँ पे आएगी। संजय स्पीकर पे लगा। हेलो गुड्डू। हेलो, कहाँ पे है तू? मैं यहाँ दाढ़ी बनवा रहा हूँ, क्या बात है? दाढ़ी बनवा रहा है?
ठीक है, आते हो ना एयर लेके आना। सर बाहर नाके पे पेड़ के नीचे दाढ़ी बनवा रहे सर। सर सर अंदर कुछ भी नहीं। तुम दोनों इस पे नजर रखना, देखो कहीं ये गुड्डू को फोन ना करे। सर सर मुझे तो डर लग रहा है, कहीं दया सर गुड्डू को। अच्छे से बनाना, एकदम लगना चाहिए, संभाल। आखिरी बार पूछ रहा हूँ, सच बता क्यों मारा रमेश को? मुझे मालूम है कि रमेश को तू नहीं मारा, रमेश के पीछे भागते हुए देखा क्या तुझे? अगर मैं रमेश को काली मुकाट में क्यों मारूंगा, मेरा भरोसा करो साहब। अच्छा तो ऐसे नहीं मानेगा? एक मिनट, क्या कर रहे हो यार? ये गुड्डू है मेरा खबरी, ये तुम्हारा खबरी है? हाँ क्यों क्यों मार रहे हो इसको? इसी ने रमेश का खून किया है। नहीं यार, ये रमेश को नहीं मार सकता। क्यों क्यों नहीं हो सकता? जिस वक्त रमेश का खून हुआ था ये मुझसे फोन पे बात कर रहा था। फोन पे बात कर रहा था? हाँ, ये चीकूवाड़ी में था, वहां पे बेटिंग का रैकेट चल रहा था, उसकी खबर दे रहा था मुझे। मतलब जिन लोगों ने इसे रमेश के पीछे भागते हुए देखा वो झूठ बोल रहे हैं। हो सकता है उन्हें गलतफहमी हो गई हो, रात का वक्त था, इसका चेहरा ठीक से नहीं देखा होगा। अभिषेक तुम यार, एक मिनट प्लीज, चल निकल यहाँ से, चलो निकलो, यार छोड़ के मत जाना, समझे? ये तुमने ठीक नहीं किया अभिषेक। अरे यार दया, बिना सबूत के एक आदमी पे खून का इल्जाम लगा रहे हो, ये ठीक है? कोई बात नहीं, अब तो सबूत लाके ही साबित करूंगा कि तुम्हारे इस खबरी ने रमेश का खून किया है। नहीं दया, ऐसा नहीं है। दया सुनो, दया दया जब भी गुस्से में आता है टेंशन मुझे हो जाती है। दया अरे तू यहाँ अभी घर नहीं गया? थैंक यू बोला था सर। बोल तो दिया, अभी क्या? सर अगर आप टाइम पे नहीं आते तो दया सर तो आप मुझे खत्म ही कर देते सर। तुम टेंशन मत लो, से गलतफहमी हो गई है कि रमेश का खून तुमने किया है। सर आपको तो मालूम है ना मैं बेगुनाह हूँ सर। हाँ मैं जानता हूँ तू बेगुनाह है, अभी उसका दिमाग गर्म है, मैं बात करता हूँ उससे। सर बात जरूर कर लेना, कहीं ऐसा नहीं कि दया सर। नहीं 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 ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं बात करता हूँ, अभी तू घर जा और देख सीधे घर जाना, इधर उधर मत जाना। ओके ठीक है। जा बच गया गुड्डू। कितनी भी कोशिश कर ले अभिजीत, कब तक बचाएगा तू इस गुड्डू को?
सर गुड्डू तो उस वक्त आपसे फोन पे बात कर रहा था जब रमेश का खून हुआ। वही तो, लेकिन दया इस बात को समझने के लिए तैयार ही नहीं। लेकिन सर वो कैसे समझेंगे, रमेश उनका खास खबरी था। खास था, लेकिन इसका ये मतलब नहीं किसी पे भी खून का इल्जाम लगा दो। गुड्डू का फोन? हाँ गुड्डू बोलो। क्या, कहाँ पे हो तुम? सुंदर नगर गोडाउन। देखो वहीं पे रुको, मैं आता हूं। सर सतीश मतलब गुड्डू ने आपको सुंदर नगर के गोदाउन में क्यों बुलाया होगा? पता नहीं, कह रहा था उसकी जान को खतरा है, काफी डरा हुआ था। लेकिन सर ये जगह तो बहुत सुनसान लग रही है, कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं? फोन करता हूँ उसका। फोन क्यों नहीं उठा रहा है? सर कहीं गुड्डू को किसी ने? अंदर चलते हैं। बुलेट का साउंड, सर दया सर यहाँ पे? दया, माय गॉड, गुड्डू, गुड्डू! सर जल्दी से नीचे आ जाइए। आश्रय सर, सर सर किसने मारा होगा गुड्डू को? दया ने। दया सर? सर दया सर ऐसा नहीं कर सकते। सुनसान जगह, गुड्डू की लाश, दया के यहां से भागना, क्या मतलब है इसका? मतलब साफ है, दया ने किया ये सब। हाँ दया, कहाँ हो तुम? मुझे तुमसे अभी मिलना है। वो सब छोड़ो दया, मैंने बोला अभी मिलना है, अभी के अभी ब्यूरो में। अभिजीत सर का मूड कुछ
ठीक नहीं लग रहा है ना? पता नहीं क्या होने वाला है। तूफान से आने की पहले की शांति आई है। पहले दया सर अभिजीत सर से नाराज थे, अब अभिजीत सर दया सर से नाराज है। दोनों अपने अपने इन्फॉर्मर्स की साइड ले रहे हैं। बात इतनी आसान नहीं रही। अब गुड्डू के मर्डर के बाद तो बात और बिगड़ गई है। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। क्या बात है? क्यों बुलाया मुझे? कहाँ गए थे? तुमसे मतलब? मतलब है दया, इसीलिए पूछ रहा हूँ। कहाँ से आ रहे हो? एक काम था, अंधेरी में। अंधेरी में या मलाड में? कहना क्या चाहते हो? मलाड के सुंदरनगर गोडाउन में क्या करने गए थे तुम? वो मैं गुड्डू का खून क्यों किया दया तुमने? क्या गुड्डू का खून हो गया? नाटक करने की जरूरत नहीं है। क्यों मारा तुमने गुड्डू को? क्या बकवास कर रहे हो? मैं क्यों मारूंगा गुड्डू को? रमेश की मौत का बदला लेने के लिए, क्योंकि तुम्हें लगता था कि गुड्डू ने मारा उसे। वो तो मुझे अभी भी लगता है अभिजीत, सिर्फ इसलिए कि मुझे उस पर शक है, मैं किसी का खून नहीं करूंगा। तो फिर सुंदरनगर गोडाउन क्या करने गए थे तुम? मैं उसका पीछा करते हुए वहां पहुंच गया था। क्यों क्यों पीछा कर रहे? क्योंकि मैं कुछ जानना चाहता था। क्या जानना चाहते थे? अभिजीत, तुम मेरे काम में दखल ना दो तो बेहतर होगा। दया, जब तक मेरे सवालों का जवाब नहीं दे देते तुम यहां से बाहर नहीं जाओगे। अभिजीत मेरे सर पे खून सवार है। मेरा हाथ छोड़ो। दया, अभिजीत, दया। कर क्या रहे हो तुम दोनों? मुझे तुम दोनों से बात करनी है। क्या हो रहा है? पिछले दो दिनों में यहां इस चौल में रमेश और गुड्डू का खून हुआ है। आप लोग कुछ बता सकते हो उसके बारे में? साहब, हमारे यहाँ तो मातम का माहौल है, सब लोग डरे हुए हैं। मैं जानता हूँ, मगर उन दोनों की किसी के साथ कोई दुश्मनी है? नहीं साहब। आप कुछ जानते थे उन दोनों के बारे में? हाँ, चाचा। आप रमेश और गुड्डू को जानते थे? पता नहीं। हम उनके खूनी को ढूंढ रहे हैं, आप हमारी मदद कीजिए प्लीज। मदद करूं? अच्छा, अब तुम पुलिस वालों को एक खूनी को पकड़ने के लिए हमारी मदद चाहिए? मैं तुम्हारी मदद करूं और उन दोनों की तरह मेरा भी शिकार हो जाए? जाओ भैया जाओ, मुझे अब बलि का बकरा नहीं बनना है। जाओ यहां से, बड़े आए केस सॉल्व करने वाले। अगर आपके किसी करीबी के साथ ऐसा हुआ होता तो? मैं तुम्हारे पास नहीं आता। लगता तुम्हें प्यार की भाषा समझ में नहीं आती। हट हट, बोल क्या जानते हो उसके बारे में? क्या कर रहे हो? मैं जानता हूं कि रमेश की मौत से तुम्हें कितना धक्का लगा है, पर हमें ऐसे होश तो नहीं खोना चाहिए। जब सीधे तरीके से काम ना हो तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। मुझे तरीके की परवाह नहीं है अभिजीत, किसी भी हाल में उस खूनी तक पहुंचना चाहता हूं। खूनी तक मैं भी पहुंचना चाहता हूं दया। मैंने भी अपने इन्फॉर्मर गुड्डू को खो दिया है,
वही इन्फॉर्मर ना जो रमेश के पीछे भाग रहा था, हाँ? इस आदमी ने देखा उसे। ए, इधर आओ। साहब को बताओ क्या देखा था तुमने उस रात? सर मैंने गुड्डू को रमेश के पीछे भागते हुए देखा था। सर रमेश बहुत डरा हुआ था और गुड्डू बहुत गुस्से में लग रहा था। सर क्या बकवास कर रहा है? मैं सच कह रहा हूँ सर। झूठ बोल रहा है आदमी, झूठ बोल रहा है। दया मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूँ, गुड्डू उस रात पूरे टाइम मुझसे बात कर रहा था। ये भी तो हो सकता है कि झूठ तुम बोल रहे हो अभिजीत, गुड्डू को बचाने के लिए, क्योंकि वो तुम्हारा खबरी था। वैसे तो मैं भी बोल सकता हूँ दया, रमेश की मौत का बदला लेने के लिए तुमने गुड्डू को मारा है, तुमने। मैंने खुद देखा था, गोडाउन से बाहर तुम निकल रहे थे, मैंने देखा था तुम्हें। क्या बोला तुमने? गुड्डू को मैंने मारा? हाँ, तुम्हें क्या लगता मैं इतना बड़ा बेवकूफ हूँ? बिना किसी सबूत के किसी को भी ऐसे ही मार दूंगा? अरे छोड़ो दया, गुस्से में तुम कुछ भी कर सकते हो। रमेश की मौत के बाद तुम्हारे सिर पे खून सवार है, अच्छे बुरे का होश नहीं है तुम्हें। मदारी ने ऐसा खेल खेला है कि दोनों लंगूर आपस में लड़ पड़े। सर आप मेरी बातों पर यकीन कीजिए, मैं खुद अपनी आंखों से देखकर आया हूं। सर आपकी मुश्किल आसान हो गई है। सर मैंने आपको इतनी अच्छी खबर सुनाई, आपके कान गर्म हो गए, तो बस सर आप हमारी जेब गर्म कर दो। हाँ सर बस मैं अभी आ रहा हूं, मड़ झंडे वाली गली। हाँ सर पहुंच रहा हूं मैं। हेलो, यस सर। सर हमारा शक ठीक निकला, मैंने एक आदमी को अभी भी फोन पर बात करते हुए सुना है। इस साजिश के पीछे जो कोई भी लोग हैं मड में छिपकर बैठे हैं, वहीं से ऑपरेट कर रहे हैं सर। यस सर आप वहाँ आ जाइए। पैसे लेने के लिए इसी जगह पे आने वाला था। बड़े खतरनाक लोग हैं, संभाल के, कहीं भी छुपे हो सकते हैं। तो कोई नहीं है। ए, ए, खोलो! ए, खोलो! खोलो! खोल! हमें फंसाने चले थे ये लोग और खुद ही हमारे चार में फंस गए। देखो बाहर निकलने का कोई रास्ता है क्या? अब सर जी का प्लान कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। हाँ कोई और रास्ता ही नहीं। हाँ सर हम फंस चुके हैं। क्या सर? वो
ये धुआ नहीं है, तेरे लिए क्या है क्या? गुड्डू को तू नहीं मारा है ना? नहीं सर, मैं बेकसूर हूँ सर। झूठ बोल रहा है, चल। नहीं सर, सर मैं सच कह रहा हूँ। बंद कर दूँगा तुझे इधर। सर, चल चल चल। सर मेरी बात सुनिए सर, मेरी बात सुनिए सर, सर मेरी बात तो सुनिए सर। सर मैं सच कह रहा हूँ, मुझे तो बलि का बकरा बनाया गया सर। मैं किसी के कहने पर ही सब कुछ कर रहा हूँ। किसी के कहने पर कर रहा है ना, बाकी काम हमारे कहने पर करेगा। चल। तुम लोग हमें क्यों मारना चाहते हो? आखिर हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? बिगाड़ा तो नहीं है, लेकिन बिगाड़ सकते हो। तुम्हारे जिंदा रहने से हमारे प्लान को खतरा है, और मुझे खतरा पालने का कोई शौक नहीं है। आखिर तुम करना क्या चाहते हो? क्या करना चाहते हैं ये तुमको बताएं? बॉस, हम यहां से जल्द से जल्द निकलना पड़ेगा, वरना सब के सब पकड़ जाएंगे। क्यों, क्या हुआ? सीआईडी आने वाली है। सीआईडी? सीआईडी आई या सीआईडी का बाप? लेकिन इस एसीपी के खबरी को मुझसे कोई नहीं बचा सकता। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, वो लोग आने वाले, जल्दी निकलो यहां से। आने वाले नहीं, आ गए हैं। तू है? हाँ मैं। चलो से नहीं खोलूंगा, नहीं खोले से। ए चलो साहब। अजीब, आगे मत आना। चल आगे मत आना। अजीब, आगे मत आना वरना मार दूंगा इसको। चल। बहुत शौक है भागने का। चल। सीआईडी की खबरी थे ना तुम, गुंडो मवालियों की खबर लाते थे, आज उनके हाथों सीआईडी को ही बेच दिया। गलती हो गई साहब, गलती हो गई, माफ कर दो। चुप, गलती हो गई, तुमने गलती नहीं गुनाह किया है, गुनाह समझे? और गुनाह की माफी नहीं सजा मिलती है। बताओ क्यों मारा तुमने रमेश और गुड्डू को? मैं सीआईडी के सारे खबरियों को मारना चाहता था। क्यों, क्यों मारना चाहता था? क्योंकि उनकी वजह से मेरा धंधा चौपट हो रहा था। कैसा धंधा? तुमने तो सारे गलत काम छोड़ दिए थे ना, सीआईडी का खबरी बन गया था ना तू? हाँ, बन गया था, लेकिन दिखावे के लिए। दिखावे के लिए? मतलब मन में राम बगल में छुरी। क्या करता साहब, ईमानदारी की आग से सिर्फ घर का चूल्हा जल सकता है, लेकिन महंगाई की बदबू उस आग पर खाना नहीं पकने देती है। और एक बार चोर ऊंचे के कल्ले पर लग गए तो कोई शराबत का काम भी नहीं देता, इसलिए मजबूरन मुझे अपना गैंग ज्वाइन करना पड़ा। मेरा खबरी हो गया, मुझे ही अंधेरे में रखा,
दुनिया में कई लोग हैं जिनके घर में चूल्हा नहीं जलता, लेकिन फिर भी वो ईमानदार हैं। तुमने रमेश को मरवा दिया और राजू को झूठा आई विटनेस बनाया और इल्जाम डाल दिया गुड्डू पर, है ना? फिर मारा क्यों गुड्डू को? गुड्डू के जिंदा रहने से सीआईडी के हाथ पूरी खबर लगने का डर था। कैसी खबर? हम शहर में बहुत बड़ा हाथ मारने वाले थे, इसलिए पहले गुड्डू को मार दिया और फिर अगला टारगेट बनाया एसीपी साहब के खबरी को। आज हम उसे मारने वाले थे। किसी की जान ले लेना खेल है तुम लोगों के लिए, हाँ? शर्म आनी चाहिए। एक हंसते खेलते घर को बर्बाद कर दिया, एक नन्ही सी जान को अनाथ कर दिया तुम लोगों ने। सर, इन्होंने तो हमें भी मारने की पूरी प्लानिंग कर ली थी उस जहरीली गैस से। सर, वो जाल मैंने भी चाहा था, मगर हमारी आंखों में तुम धूल झोंक नहीं पाए। जैसे तुमने गुड्डू का खून किया ना, वैसे तुम्हारा प्लान हमारी समझ में आ गया। समझ गए कि तुम सीआईडी को आपस में लड़ाना चाहते थे अपने फायदे के लिए, है ना? माफ कर दो साहब, गलती हो गई। ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। मुझे एक मौका दे दो। मौका दे दो? हाँ? मौका चाहिए? जिंदगी सिर्फ एक ही मौका देती है, सिर्फ एक, समझे? और वो भी तुमने गवा दिया। दो दो खून किए तुमने, दो दो खून। तुम्हें तो सिर्फ फांसी की ही सजा मिली। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.